सो हेलो बच्चा लो वेलकम बैक बच्चा अपने इस सेशन में कम्युनिकेशन के दस क्वेश्चन करेंगे जो हमसे जुलाई अटेम्प्ट में पूछे गए थे हमने जून ऑलरेडी कंप्लीट किया है जुलाई आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है सभी का प्लेलिस्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपसे हाईली रिकमेंडेड है कि आप सबसे पहले इस पी को डाउनलोड करें खास बात है इस पी की कि ये बच्चा आपको एरर फ्री है और सारे सवाल यहाँ पे है कोई भी छोड़ा नहीं गया है आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास सिंपल सा चार स्टेप है इसको फॉलो कीजिए तो आप 2019 से लेके 2022 के फिजिक्स के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को एक्सेस कर पाएंगे इन दिस प्रिंटेबल फॉर्मेट आंसर कीज़ ठीक है तो चलिए इसको डाउनलोड कीजिए पहले खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आके इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं ठीक है एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आपने इस चैप्टर को जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं है तो आप इस चैप्टर को सिर्फ 30 मिनट से भी कम समय में अच्छे से पढ़ सकते हैं थ्रू दिस वीडियो वीडियो इस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा ठीक है चलते हैं बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ यह अपना सबसे पहला सवाल है पच्चीस जुलाई शिफ्ट वन में हमसे यह पूछा गया था सवाल में हमसे कहता है द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टीवी टावर Which can cover the population of ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी दो हजार इक्कीस में पूछा जा चुका है तो आपके पास इस प्रकार से ये अर्थ का कर्वेचर हो गया है सपोज कीजिए यह रहा आपका वो टावर ये रहा आपका वो टावर तो टावर, तो टावर कितनी दूरी तक ट्रांसमिट कर सकता है ये जो आपका डी होता है ना इस डी का आपको फॉर्मूला किससे दिया जाता है अंडर रूट ऑफ टू एच इन टू आर द हाइट ऑफ द टावर एंड आर इज द रेडियस ऑफ करवेचर अर्थ का रेडियस है ये ठीक है अब यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा हमसे कहता है कि भैया पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना वो इतना है यानी हंड्रेड लोग है पर स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर और आपकी जो टोटल uh, पॉपुलेशन जिसे हमें कवर करना है दैट इज राइट इसका मतलब हमें टोटल कितना एरिया कवर करना है तो सर हमें जो एरिया कवर करना चाहिए जो हमें एरिया कवर करना चाहिए दैट इज योर टोटल पॉपुलेशन सिक्स पॉइंट जीरो थ्री टेन टू दावर फाइव क्योंकि लैक्स में बोला गया है डिवाइडेड बाई यंड्रेड हंड्रेड तो ये आपको जनाब निकल के आने वाला है किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर सो दिस बिकम्स योर 6.03 10 टू द पावर ये आपका 3 हो जाएगा और इसे अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो ये आपको 10 टू द पावर 6 हो जाएगा सो so 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर सो दिस बिकम्स 6.03 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर अच्छा सर तो ये सर हो गया है एरिया जो हमें कवर करना है अब अब ये जो आपका येलो लाइन है ना यहाँ तो फिर भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में कर्वेचर को दिखाया गया है ये जो आपकी वाइट लाइन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होगा तो ये येल्लो लाइन भी आपको ऑलमोस्ट अर्थ के सर्फेस को ही ट्रैक कर रहा होगा तो यहां पे जो हम एरिया लेते हैं यहां पे जो हम एरिया लेते हैं दैट इज नथिंग बट योर पाई डी स्क्वायर क्योंकि सिमिलर आपको इधर भी होने वाला है डी करके तो आप ये जो है पाई डी स्क्वायर से एरिया लेते हैं अप्रॉक्सीमेट करके क्लियर है है सर सर अच्छा तो सर, जब एरिया पाई डी स्क्वायर और हमारे पास हमारे पास सर ये जो डी है उसका भी फॉर्मूला है टू एच आर तो इस प्रकार से आ गया है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सर हमें एच चाहिए सो एच इज इक्वल टू एरिया अपॉन टू पाई इन टू आर तो सर एरिया का वैल्यू है सिक्स पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन टू दावर नाइन डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट वन फोर और रेडियस की जो वैल्यू है वो है सिक्स पॉइंट फोर इन टू टेन टू सिक्स आप इसे अच्छे से जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर है वो वन फिफ्टी पॉइंट जीरो समथिंग आएगा तो उसे राउंड ऑफ किया तो वन फिफ्टी आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्लियर है तो ये वैरायटी आपको 2021 में भी है इसीलिए रेकमेंडेड होता है कि अगर आप जेई मेंस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो कम से कम चार साल के पांच साल के प्रीवियस क्वेश्चन को इज्जत से करें तमीज से करें अच्छे से करें और वो यहां पे आपको मिल जाता है राइट बीस uh, हो गया है इक्कीस हो गया है बाइस हो गया है इवन उन्नीस भी हमारे आप पे डला पड़ा है इन ए एम मॉड्यूलेशन सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड ऑन अ कैरियर वेव सच दैट दी मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड टू बी छः वोल्ट एंड दो वोल्ट तो इस क्वेश्चन में हमें ना ए मैक्स की वैल्यू दे रखी है दैट इज योर सिक्स वोल्ट हमें इस क्वेश्चन में ए मिनिमम की वैल्यू भी दे रखी है दैट इज योर टू वोल्ट तो यहाँ पे जो मॉडलेशन इंडेक्स का एक फॉमूला होता है इन टर्म्स ऑफ ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम देखिए एक फॉर्मूला तो होता है ए एम बाई ए सी लेकिन यहाँ पे हमें ए एम ए सी नहीं दिया है हमें ये दिया हुआ है तो इसके टर्म्स में आपको फॉर्मूला लिखना आता है नहीं आता है तो याद रहना चाहिए एग्जाम में टाइम नहीं होगा डिराइव करने के लिए जनाब ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम तो सर इसको बस कीजिए सिक्स माइनस टू अपॉन सिक्स प्लस टू दिस बिकम बाई टू विच इज नथिंग बट योर फिफ्टी परसेंट अगर इसे आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज निकालना होगा तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा क्लियर है अच्छा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री रेडियो कैन ट्यून टू एनी स्टेशन इन सिक्स मेगा हर्ट्स

Uh, या फिर आपका जो ई एम वेव है डिवाइडेड बाई योर फ्रिक्वेंसी तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका बैंडविड्थ हो जाएगा वेव लेंथ का दैट इज लामडा वन माइनस लामडा टू विच इज योर सी अपॉन एफ वन माइनस सी अपॉन एफ टू सी को बाहर खींच लिया थ्री इंटू टेन टू द पावर एट करके आपका जो पहला फ्रिक्वेंसी है सिक्स मेगा हर्ट्स है सिक्स इंटू टेन टू द पावर सिक्स माइनस वन अपॉन टेन इंटू टेन टू द पावर सिक्स ध्यान से देखिए तो 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 ये आपका गायब हो गया है यहाँ पे आपका बच रहा है 300 और यहाँ पे अगर हमने 60 को एलसीएम ले लिया है तो ऊपर आपका आ जाएगा जनाब 5 सॉरी uh, चार तो 60 इसको काटेगा तो 5 5 चार 20 सो so 20 इज द करेक्ट आंसर क्लियर है आगे बढ़ जाए चलिए देखिए देखिए चैप्टर ये आपको काफी आसान सा है आ, बस इसको वीडियो से सुन लीजिए एक बार एन भी पढ़ लीजिए आपका काम बन जाएगा द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आर 60 एंड 20 द परसेंटेज मॉड्यूलेशन सेम सवाल अभी अभी हमने देखा था ना तो 60 माइनस ट्वेंटी अपॉन 60 प्लस ट्वेंटी इन टू कर दो ताकि परसेंटेज में आंसर को लिख पाओ तो अगेन सेम है ये आपका 50 परसेंट ठीक चलिए

ये जो हाइट है ना इसको नौ गुना कर दो भैया अंदर नाइन टाइम्स करोगे तभी तो रूट से बाहर निकल के तीन हो जाएगा वो तो नाइन टाइम्स मतलब टावर की हाइट अगर पहले सौ थी तो बाद में कितनी कर दो नौ सौ भैया दस सेकंड का सवाल है ये सब दस सेकंड का चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से देखिए

खट खट करके सॉल्व हो रहा है खट खट करके चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ ये सवाल ऐसा है कि अगर आपने के एक दो लाइन नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम में थोड़ी सी दिल की धड़कन बढ़ सकती है लेकिन अगर शांति से सोचो तब भी टिक मार सकते थे इन द केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टू अवॉइड डिस्टॉर्शन मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी आपने अगर मॉड्यूलेशन ए एम एम्पलीटूड मॉड्युलन को अगर ध्यान से देखा है उसके ग्राफ्स को ध्यान से आपने देखा है या फिर उसके प्रॉब्लम्स को अगर आपने बार बार किया है तो आपने देखा होगा कि म्यू की वैल्यू हमेशा वन से छोटी ही रखते हैं राइट सेम बात आपको यहां पे एनसीआरटी के सेक्शन 15.8 कम्युनिकेशन चैप्टर में यह फोटो मैंने वहां से उठाई है जहां पे आपको साफ़ साफ़ लिखा हुआ है कि इसकी जो वैल्यू है तो एंड यूजर जो होगा वो मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसके अंदर से ठीक है तो आपको उसे वन से छोटी रखनी चाहिए सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अगेन ये इमेजेस

कंबाइन किया है और जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ है तो इस प्रकार से आपका इसका पैटर्न बनता है जहां पे फ्रीक्वेंसी वेरी होता है कंटिन्यूसली ठीक है तो ये तो हो गया आपका है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये वाला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ठीक बात है तो कहीं कहीं जगह पे आपको मान लेते हैं कि ये वाला चीज पढ़ा भी दे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में लेकिन हमसे जो सवाल में पूछ रहा है ना बैंडविड्थ ये आपको पता हो मान ही नहीं सकते भैया क्योंकि ये आपको जो कार्सन रूल्स है ये बेसिकली आप इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ते हो तो ये नहीं पूछना चाहिए था ये काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस माना जा सकता है बट स्टिल यहाँ पे सवाल मैंशन है आई हैव रिटर्न ऑल दी अप्लाइड इक्वेशन एंड फॉर्मूलाज जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं फ्यूचर के लिए तो अगर इसे हमें सॉल्व भी करना है तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है ना 20 किलो हर्ट्स ये आपका जनाब एफएम है दिस इज योर 20 ट्वेंटी किलोहर्ट और ये जो आपका टेन है यही आपका deviation ratio है। तो so, so, से आपकी delta F की वैल्यू टू हंड्रेड है 200. So, जो bandwidth है वो इस Carson's rule से दिया जाता एफ एम की वैल्यू ट्वेंटी टू ट्वेंटी बोले तो फोर फोर्टी ऑप्शन नंबर डी ठीक है बट नहीं पूछते तो बेटर रहता झूठ मूट का सीन uh, है वो के है बेसिकली वो चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं क्या बोलता है फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन ए एम वेव हैविंग एट वोल्ट वेरिएशन वेर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ए एम वेव इज नाइन तो ये सवाल अगर आप ध्यान से देखें ये ग्राफ आपको यकीनन पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप ऐसा देखते हैं तो हमसे कहता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो नाइन है तो आपको ना ए मैक्स दे रखा है नाइन वोल्ट लेकिन हमसे कहता है कि जो वेरिएशन है वो आठ वोल्ट का है तो वेरिएशन मतलब क्या है ए मैक्स माइनस ए मिनिमम यही तो हुआ ना वेरिएशन कि भैया ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है तो कितना वेरी कर रहा है एम्पलीट्यूड इतना कर रहा है तो सर हमें यहाँ पे ना एट वोल्ट जो है वो है ए मैक्स माइनस ए मिनिमम दिस इज योर एट वोल्ट्स, एट वोल्ट्स, यानी कि आपको यहां से दिख रहा होगा आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये नाइन माइनस ए मिनिमम इज इक्वल टू एट है बोले तो सर ए मिनिमम जो है ना वो अपना वन है अब हमसे क्या पूछा है म्यू सो so, म्यू इज इक्वल टू दिस ए मैक्स माइनस ए मिन एट अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम सो नाइन प्लस वन दट इज योर टेन सो दिस बिकम्स योर पॉइंट एट ऑप्शन ए क्लियर है चलिए आखिरी सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर सवाल क्या है देखने में लंबा है लेकिन बहुत ही आसान सा है आपके पास मॉड्यटिंग सिग्नल है आपके पास कैरियर सिग्नल है द कंबाइंड सिग्नल इज पास थ्रू अ नॉन लीनियर स्क्वेर लॉ डिवाइस द आउटपुट इज देन पास थ्रू अ बैंड पास फिल्टर द बैंडविड्थ ऑफ द आउटपुट सिग्नल is dash megahertz, right? कुछ इसमें खास बात नहीं है सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका दोनों सिग्नल है उसको आप स्क्वायर लॉ डिवाइस में डाल देंगे उसके बाद बैंड पास फिल्टर में डाल देंगे जो आखिरी में आउटपुट होता है ना वही आपका होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जहां पे आप ऑब्वियसली पहले से जानते हैं कि आपका जो तीन फ्रिक्वेंसी होता है एफ सी एफ सी माइनस एफ एम एंड एफ सी प्लस एफ एम यानी कि सर जो यहाँ पे बैंड विथ होता है ना दैट इज दिस माइनस दिस व्हिच इज नथिंग बट टू एफ माइनस माइनस इक्वल्स टू टू एफ सो टू मल्टीप्लाइड बाय नाउ व्हाट इज एफ व्हाट इज एफ तो ये जो है ना जनाब ये ओमेगा है ये ओमेगा है तो सर एफ क्या हो जाएगा ओमेगा बाय टू पाई तो यहाँ पे ओमेगा क्या है सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेन टू दावर सिक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर ये पूरा खत्म सो दिस बिकम्स टू मेगा क्यों सर क्योंकि टेन टू दावर सिक्स था तो मेगा में तब्दील हो गया है तो इस सवाल का सही जवाब टू है क्लियर है चलिए टेक केयर विश्व बेस्ट ऑफ लक मिलते रहेंगे